हैदराबाद नहीं भाग्यनगर, ट्रिपल तलाक नहीं महिला सशक्तिकरण, मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं सबका साथ सबका विकास, ये राजनीतिक संकल्प हैं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर माधवी लता जी के, जो भाग्यनगर की जनता के प्रेम और विश्वास के बल से AIMIM के गद्दावर नेता सौहुद्दीन ओवैसी को 4 दशकों से उनका पारिवारिक गढ़ रही हैदराबाद लोकसभा सीट पर सीधे टक्कर देने को तैयार हैं। पहले एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और कुशल भरतनाट्यम नृत्यांगना के रूप में जाने जाने वाली माधवी लता जी को आज भाग्यनगर उनके सामाजिक कार्यों और हिंदुत्व के प्रति उनके समर्पण और मुखरता के लिए जानता है। इस सीट पर 40 वर्षों से ओवैसी परिवार का आधिपत्य है, लेकिन आज भी यहां के लोगों के जीवन में अशिक्षा, बेरोजगारी, बीमारियां, कुप्रथाएं और एक कटु इतिहास की जीवित स्मृतियां ही हैं। तेलुगु और दक्षिणी दोनों भाषा में आम जनता से संपर्क कर उनके सुख दुख बांटने वाली माधवी लता जी आज हिंदुत्व के विषयों पर धारा प्रवाह संस्कृत बोलकर हिंदुओं को उनके गौरवपूर्ण इतिहास और धर्म संस्कृति के प्रति जागृत भी करती है। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए मुखरता से उनकी आवाज उठाना हो, उनकी गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता प्रदान करना हो, या अपनी नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए गरीब मुसलमानों को बरगलाने वाले ओवैसी भाइयों से हैदराबाद के विकास पर सीधे प्रश्न पूछना, भाग्यनगर की ये बेटी आज इस कठिन लड़ाई में अपनी निस्वार्थ नियत और समग्र विकास की नीति लेकर यहाँ की जनता से उनका आशीर्वाद मांग रही है। चुनाव समीप है और विकल्प स्पष्ट। एक ओर असदुद्दीन ओवैसी की हिंदू विरोधी मानसिकता है, तो दूसरी ओर भाग्यनगर का ऐतिहासिक गौरव पुनर्स्थापित करने की माधवी लता जी की प्रतिज्ञा है। विचार कीजिए। जय श्री राम।